Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. इतना काफी है तो करते हैं हम अभी अपने नए ब्लॉग की शुरुआत यहीं से जहां से हमने वो वाला ब्लॉग खत्म किया था। तो फिलहाल हम अभी चल रहे हैं जी, अभी एक घंटा हो गया। इंसान की तरह खाओ, इंसान की तरह खाओ। देखो देखो, अरे दिखना नहीं क्या? हाय सर, हाय इसरार भाई भी आ रहा है। ओए इसको इसको डिप्रेशन होगा, इसरार भाई आ गया, अब क्या होगा। तो करते हैं जी हम इस ब्लॉग की शुरुआत भी वही से। अभी तकरीबन एक ही घंटा चले होंगे, लेकिन भुक्कड़ भुक्कड़ है हमारे साथ ये भाई। इसको मतलब कुछ भी हो लेकिन मुंह बंद नहीं होना चाहिए। अभी अभी तक हम बादाम खा रहे थे, इसी ने लाए थे घर से, पहले सेब खाए, उसके बाद बोल रहे मुझे भूख लग रही है कुछ खिलाओ। इसको नजर थी कि हमारे पास अभी बिरयानी है, तो इसने बोला पहले बिरयानी खाएंगे, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी वो ये। तो इसने माना ही नहीं, चलो फिलहाल इसी की मानते हैं, खाते हैं बिरयानी और उसके बाद हम देखेंगे क्या होटल के फ्राइड राइस क्या है। जुबैर भाई उससे भी बता रहे, कह रहे हैं हॉस्टल का फ्राइड राइस है, ये बिरयानी नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट करने के लिए इसको दी थी ना बिरयानी, तो क्या किया इसने, एक प्लेट खाया उसने, टेस्ट करते करते एक प्लेट खा गया ये। और उस बेचारे को भी लगा मैं बड़ा सा ब्लॉगर हूँ, मुझसे उसकी ये उसकी शॉप प्रमोट होगी। उसने भी इतना सारा दिया और वो सारा जुबैर भाई ने खाया था, बोल रहा था हाँ मजा है। तो चलिए पहले हम खाते हैं यहाँ पे बिरयानी। चिकन का तैसे था भाई ने बोला मजा है तो मजा है। वो क्या था बिरयानी, वो उसका शॉप का नाम क्या था, होटल अचानक भाई कैसा मजा है? मजा हो या ना हो मेरे पास दो मिनट के पीछे दो पीस है इसके पास। आपको लगा होगा कि ये यूट्यूबर का है इसीलिए दो रखा होगा इसके लिए है ना। कैसा था बॉयस? तो जी अभी बज रहे हैं रात के 2 और गाड़ी ने यहाँ पे स्टॉप किया है, तो हम भी उतरेंगे नीचे अभी, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और देखेंगे कुछ खाने के लिए लाएंगे भी। तो चलिए पहले नीचे उतरते हैं। हम कहाँ पहुँच गए? रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं हम, वो देखेंगे नीचे। पंजाब में है लेकिन चलो कैसे पता है, अभी पंजाब पुलिस आई थी ना अभी कैसे पता है आपको? नहीं होता मैं बैठो, ख्याल रखना इधर फोन है इसमें। तो जी मैंने लाई है किसी भैया की चप्पल, मुझे ये भी नहीं पता मैंने किसकी चप्पल पहनी है। जिसे देख रहे हो पेड़ कितने खूबसूरत है, पेड़ कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और ये है स्लीपर्स जो रुके हैं, लेकिन ये पेड़ देख रहे हैं पीछे से कितने खूबसूरत है। इस भैया को भी ले आओ। ये 2-3 स्लीपर्स रुके हैं यहाँ पे। हमारी चाय आ गई है। अपनी बस एक दो दिन और चलो चलो दिल्ली दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर आ गया ड्राइवर हमारा। शाम 7 बजे को हम बैठे थे स्लीपर में। जनरली क्या होता है, जनरली 12 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू एक साइड। तो हम कल 7:30 को बैठे, तो तकरीबन हम सुबह 7:30 को हम पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं।
जानती भी इस्लामाबाद, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो चला कल से ही, और 7 बजे को हमने पहुंचना था लेकिन अभी 2 बज रहे हैं और हम नहीं पहुंच रहे। 2 बज रहे ना पहुंच रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है बाहर से, बट यहाँ पे एसी है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर कर दी इसने। और आज जैसे फ्राइडे भी है और अभी भी हमें 30-35 मिनट लगेंगे दिल्ली तक। ये है जी हिस्टोरिकल जामिया दिल्ली। गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो अभी हम जामिया मस्जिद के गेट नंबर 1 पे हैं। साबित भाई हमारे साथ, ये हमारे मुजीब भाई, साकिब भाई और इसरार। अब हम लंच करने चले हैं। ओके भाई, अभी हम जामिया मस्जिद गेट नंबर 1 पे, आप पीछे से ये मैं आपको दिखा देता हूँ जामिया मस्जिद। यह है जामिया मस्जिद दिल्ली और अभी हमें गेट नंबर 1 पे, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि अच्छे से रास्ते में ब्रेकफास्ट नहीं होता है, अच्छे से डिनर लंच नहीं होता है। हमने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया है लेकिन रास्ते में किया था, लेकिन उतना अच्छा फील नहीं आता है, उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले हम करते हैं लंच। ये लोग चुप नहीं बैठते। हर ग्रुप में कोई ना कोई पागल होता है, लेकिन हमारे ग्रुप में बस मैं अच्छा हूँ, ये सारे पागल हैं। ठीक है, तो अभी हम लंच करेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो लंच हम करेंगे आगे। यहाँ पे है एक तो चलो वही तो बोल रहा हूँ ना, इनको अच्छा होटल दिखाना है। यहाँ पे आगे है एक कश्मीरी बंदा, उसका वो मतलब ओनर है उसका श्रीनगर का, तो हम वहाँ पे खाएंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, रेटिंग दो। 3 स्टार आउट ऑफ 3। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बेइज्जती हो रही है इसकी, धीरे से बोलो। मुजीब भाई आप दो। मेरी तरफ से 2 स्टार। अब आप दो। 10 में से 7 स्टार। गुड, एक्सीलेंट। ये लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। 7 स्टार। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वरना ये लोग बोल रहे थे कि हम पहले शॉपिंग करेंगे। मुझे तो नहीं करनी थी, मेरी हो गई है ऑलमोस्ट डन घर में ही, बट साकिब भाई को, ज़ुबैर भाई को कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी एलो नहीं करती है कि रुकने के लिए। मसला होता है जब आप एक अच्छे एरिया से आते हो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, फिर आप एक ऐसे एरिया में आते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पहले डिफ़िकल्ट लगता है सारा। तो सिमिलर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, कश्मीर में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन बाहर कश्मीर में क्या हुआ, ज़रूर टीके होता है ना। क्यों, मैं तो पहली बार व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग निकलेंगे सीधे हॉस्टल की तरफ, हम अब यहाँ पे नहीं रुकेंगे। सो यह है मेट्रो स्टेशन जामिया मस्जिद, हम भी चलेंगे और सीधे अब हम हॉस्टल में ही रुकेंगे। सो चलिए, लेट्स गो। ये जी पहुँच गए हम बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, हम दुबई पहुँच गए हैं। यहाँ से हम बस में चलेंगे जो हमें सीधे हॉस्टल गेट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से लेते हैं बस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं। ये है जी हमारा हॉस्टल। हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं जी, तो यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो एंड होता है। तो करते हैं इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी फ़िलहाल हम भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में, एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।